अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग चल रहा है यूएसए, जो हम लोग ट्रिप पे गए थे, घूमने गए थे, तो उसी का व्लॉग चल रहा है कंटिन्यू। तो न्यूयॉर्क सिटी का व्लॉग है ये। मैंने पिछले व्लॉग में भी अपने शेयर किया था आप लोगों से न्यूयॉर्क का, तो फिर से नई वीडियो के साथ आज आ गए हैं। ये हमारा न्यूयॉर्क में सेकेंड डे है और हम लोगों ने टूर पैकेज लिया था हॉप एंड हॉप ऑफ का, जिसमें पूरे सिटी टूर्स वगैरह कवर थे। तो हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके बस में। तो कल भी थी मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनस में टेम्परेचर नहीं है, कल माइनस में टेम्परेचर था और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। आज अभी का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है, तो हम लोग को बहुत सुकून है। और जुहान की भी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, थोड़ा सा उसको फीवर हो गया है हल्का सा कल रात से ही, तो हम लोग ने दवा वगैरह दी है, इसीलिए हम लोग बस में आराम से घूम सकते हैं ताकि। और ये देखिए पूरा मैप है जो जो एरिया हम लोग कवर करेंगे। हम लोग किधर से चढ़े हैं जायद, दिखाओ। और ये है नंबर 1, हम लोग इधर से चढ़े थे। ये भी पूरा टाइम स्क्वायर है, पूरा इतना कवर करेगा। हम लोग ने 2 डेज का पास लिया हुआ है हॉप एंड हॉप ऑफ का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो इससे स्टे ट्यून्ड। कहाँ है कार्स? ये देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सब खड़े हुए हैं। ऊपर देखने का मजा ही कुछ अलग आ रहा है। हाँ, ऊपर से देखने का मजा बहुत अच्छा आ रहा है। कल हम लोग ने वॉक करके ये सारा एरिया घूमा था और आज बैठ के बस में घूम रहे हैं, तो काफी इट्स सो डिफरेंट। इट इज लाइक बटन थ्रेड एंड नीडल है, मतलब यहाँ से बहुत वो दिख रहा है, वो पीछे भी बैठा हुआ आदमी सी रहा है नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ ना। ये देखिए यहाँ पे फेडेक्स का ऑफिस है और ये 7th Avenue है, 7th Street है, 7th Avenue है और ये फैशन स्ट्रीट है। फैशन स्ट्रीट मीन्स यहाँ पे आपको सब सारे मतलब फैशनेबल जो वेयर है वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है, यहाँ पे देखिए ऐसे धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या नीचे जलाते हैं कि ऊपर से धुआं निकलता है। और हम लोग क्रॉस करते करते आ गए, ये भी कोई एक बिल्डिंग है जिसमें लोग उतर के जा रहे थे, यहाँ पे एक स्टॉप था मगर हम लोग नहीं उतरे। जैसे कि मैंने बताया कि जुहान की तबीयत कल ख़राब थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ज़्यादातर बस में ही कवर करेंगे, और बस में सबसे फ्रंट वाली सीट पर बैठे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए ओपन रेस्टोरेंट था जो कि बहुत लोग बैठे थे, कुछ खा पी रहे थे, तो ऊपर बस के एकदम फ्रंट सीट पे बैठे थे ना, तो शीशे से एकदम क्लियर नज़र आ रहा था और ठंड में भी थोड़ा सा वो था। और यहाँ पे देखिए साइकिल है जिसको आप रेंट पे ले सकते हैं, और हम लोग के लिए फ्री था क्योंकि हम लोग ने हॉप एंड हॉप ऑफ जो बस होती है ना उसका टूर जो पैकेज लिया था उसमें इंक्लूड था। आप डे के हिसाब से ले सकते हैं, आवर के हिसाब से ले सकते हैं, जिस तरह चाहे आप लेके या टूर कर सकते हैं। देखिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की, टाइम स्क्वायर इसी को बोलते हैं। नहीं, टाइम स्क्वायर तो ये पूरा एरिया है, टाइम स्क्वायर ये पूरा एरिया है, मगर टाइम स्क्वायर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये। जब हम लोग न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे तो ये बिल्डिंग ऊपर से भी नज़र आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रही थी फ्लाइट से जब लैंड हो रही थी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, ये एरिया बहुत ही पसंद आया मुझे, ये स्ट्रीट बहुत ही प्यारी लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। और आराम से ना, ठंड भी नहीं लग रही है, तो हम लोग एकदम फ्री होके घूम रहे हैं। कल तो ऐसी ठंड थी कि एकदम फ्रीज हुए जा रहे थे हम लोग, -4 डिग्री टेम्परेचर था। देखिए जुहान ने भी अपनी टोपी उतार दी है, हम लोग को भी गर्मी फील हो रही मगर जैकेट वैकेट नहीं उतार रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे दूसरे स्ट्रीट पर हम लोग आ गए हैं, ये फैशन स्ट्रीट है, 7th Avenue करके ये फैशन स्ट्रीट है, यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स वाले थे जो कि फैशनेबल जो भी है फैशन की से रिलेटेड चीज़, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो मेकअप्स हों, चाहे वो ड्रेसेस हो, वो इस लाइन पे ले सकते हैं। और इसके लिए आप लोग को वहाँ पे लिखा भी हुआ था स्टॉप फैशन स्ट्रीट, ताकि आप लोग उतर के शॉपिंग, बहुत से लोग उतरे थे। और जब ये सब हॉप एंड हॉप ऑफ वाली जो बस होती है ना, जो टूर वाली बस होती है, सिटी टूर कराती है हर जगह, हर कंट्री में ये रहती है, तो वहाँ पे वो माइक होता है जहाँ जहाँ पे स्टॉप लेगी या जहाँ जहाँ से गुजरेगी ना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस रोड पे मतलब टाइम स्क्वायर के रोड पे जो साइडों में बिल्डिंग गुजर रही थी
उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री थी, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी जो कि वो लोग बता रहे थे. टाइम स्क्वायर के अंदर का एरिया है, टाइम स्क्वायर का दूसरी स्ट्रीट है, मगर यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो दिख रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एसी वगैरह लगा हुआ है और बालकनीज वगैरह हैं, तो ये पूरी ना रेजिडेंशियल दिख रही है. रेजिडेंशियल भी है, ऑफिशियल भी है मतलब, और जगह जगह पे आप लोगों को फेडेक्स का ऑफिस मिलेगा. फेडेक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत फास्ट सर्विस है. मेरे हस्बैंड बता रहे थे क्योंकि वो भी इसी लाइन में है ना, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता है, ई कॉमर्स लाइन में. और हम लोग उतर गए हैं यहाँ पे वाशिंगटन स्क्वायर जा रहे हैं, तो बस से उतर गए हैं और बस वॉक करके जा रहे हैं. 5 to 7 minutes का वॉक है हमारे स्टॉप से. और ये देखिए पूरा यहाँ पे मैं बता रही थी ना रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे देखिए सारा रेजिडेंशियल एरिया है ये टाइम स्क्वायर ही. और ये देखिए पार्क के बीच में बना हुआ है वाशिंगटन स्क्वायर करके, तो ये एक स्टॉप था जहाँ पे हम लोग उतरे थे. तो यहाँ पे देखिए लोग आराम से पार्क है बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं वेदर का. धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, इतनी खिली खिली, कि इन सब जगहों पे उतर के आराम से बैठो चिल करो, उसका मज़ा ही कुछ और है. हम लोग को ये था कि बस हम लोग को थोड़ी देर का स्टॉप मिला, थोड़ी देर का हम लोग ने स्टॉप लिया था और हम लोग ने सोचा थोड़ी देर जाके घूम के आ जाएंगे. देखिए लोग म्यूज़िक शो कर रहे हैं, खुद ही में एकदम बिजी है मतलब लोग अपना यहाँ पे. अच्छा कोई किसी को परवाह नहीं है, हम लोग ने देखा किसी को कोई वो नहीं है, सब अपने अपने में बिजी है. देखिए यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, टैरोट कार्ड रीड हो रहा है, तो कुछ मालाएं वगैरह बेच रहे थे एक साइड, और एक साइड यहाँ फैशन का पूरा वो चल रहा था. ये देखिए एक साइड म्यूजिक पूरा बैंड लेके खड़े हुए थे, म्यूजिक बजा रहे थे. ये बहुत पुराना स्क्वायर है और बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोटो वोटो खिंचाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे. लग तो बहुत अच्छा रहा है मगर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को दूसरे और भी वो चीज़ें कवर करनी है दूसरे स्टॉप से आकर. ये देखिए यहाँ पे साफ साफ ये बेचते हैं चरस वगैरह लिखे भी हुए हैं, वीड एकदम खुलेआम यहाँ पार्क में बिक रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग. वही यहाँ देखिए क्लियर व्यू आएगा वाशिंगटन स्क्वायर का. ये इधर का ऐसा है कुछ इस तरह से, ये देखिए इधर कुछ पुतले बने हुए हैं. एंजॉय कर रहे हैं लोग, मोबाइल मोबाइल में नहीं नज़र आ रहे कि मोबाइल लेके बैठे हुए, जबकि यहाँ पे हर जगह जगह पे ये है वाईफाई है. और फिर बच्चों को भूख लगी, तो हम लोग क्योंकि दोपहर का टाइम था तो हम लोग आ गए. हम लोग जैसे ही पार्क से बाहर निकले ना, सामने एक देखिए एक स्टॉल थी फूड की, वही फूड जो स्टॉल वाला फूड है इजिप्शियन फूड, तो सॉसेज सैंडविच इन लोग को इतना पसंद आया है कि जब भी जहाँ भी इन लोग को मिलता था सॉसेज सैंडविच ही खाते थे, जबकि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे. मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, मैंने कहा था पता नहीं क्यों आप लोग इतनी सॉसेज सैंडविचेस खा के जा रहे हैं यहाँ से. तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ बना बना के दे रहे हैं, और जूस वगैरह लिया बच्चों को, सैंडविचेस दिलाया ताकि बच्चे खा ले, और मैं फ़्राइज़ खा रही थी. मुझे क्योंकि भूख नहीं थी इतनी, तो मैंने कहा मैं फ़्राइज़ खाऊंगी, आप लोग सैंडविच खाओ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है सैंडविच सॉसेज सैंडविच. और फिर हम लोग जा रहे थे अपने स्टॉप की तरफ, स्टॉप की तरफ जाएंगे हम लोग, बस पकड़ेंगे और बस से चढ़कर दूसरी जगह जाएंगे. ये देखिए बच्चों लोग ने अपने सैंडविच ख़त्म करके मेरे फ़्राइज़ पर हाथ मार रहे थे. और यहाँ पे देखिए जगह जगह पे ऐसी ऐसी जो है बस थी जो कि इसराइली बस थी, और वो लोग बुलाते हैं कि आप आइए इसमें, और वहाँ पे उनको कुछ समझाते थे.
मतलब ज्यूश रिलीजन के बारे में कुछ लोगों का था, ऐसे लोग ने बीच बीच में रुका के बस बना के साइड में बस खड़ी रहती थी और उसमें लिखा हुआ होता था कम ऑन बोर्ड, और बाहर भी एक बंदा खड़ा हुआ होता था जो कि कुछ उनकी बुक लेके खड़े हुए होते थे और फिर वो बस में बुलाते थे। और बहुत सारे वहाँ पे इसराइली लोग हम लोग को दिखे हैं, ज्यूश लोग वहाँ पे दिखे हैं। और फिर हम लोग देखिए दूसरे साइड निकल आए हैं बस पे, ये देखिए आ गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, और सोचिए 1861 में इसको बनाया गया था उस टाइम पे, और इतना फेमस है अभी, मतलब अगर लोग इसको कॉपी भी करें ना तो शायद इस जैसा नहीं बना पाएंगे जो उस टाइम की बने हुए जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए जोहान मेरा चश्मा लेके, क्योंकि धूप एकदम सामने से लग रही थी ना तो मैंने चश्मा लगा के बैठा हुआ था। और यहाँ पे देखिए पूरी दरिया है, और कल हम लोग इसी, कल अब नेक्स्ट डे हम इसी दरिया के पास जाएंगे, और हमारी शिप पे हम लोग का राइड थी तो हम लोग शिप पे जाएंगे क्रूज़ पर, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जेट खड़ी हुई थी, हेलीकॉप्टर खड़ी हुई थी सॉरी। ये देखिए पूरे दरिया के किनारे पूरा बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था दरिया के पास। ये देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, मतलब हर बिल्डिंग का एक नया स्ट्रक्चर, एक नई खूबसूरती, एक नया डिज़ाइन, और ये सब आज के नहीं है, देखने से ही लग रहा था ये इतने पुराने बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं ट्रेड सेंटर के पास आ गए हैं, तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जो वर्क करके और खड़े हुए थे बस के लिए। एक्चुअली ये जो टाइम स्क्वायर वाले पूरा एरिया है ना, ये जो मेन सिटी, वहाँ इतना ट्रैफिक होता है। हम लोगों ने भी बाकी दो सिटीज़ में रेंट अ कार लिया हुआ था, आप लोग को पता है, आप लोग ने मैंने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो। मगर न्यूयॉर्क सिटी में हम लोग को हर किसी ने मना किया, यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर ने भी मना किया था जिससे हम लोग एयरपोर्ट पे बैठ के अपने होटल गए थे, कि यहाँ पे रेंट अ कार मत लेना क्योंकि आप चला नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये देखिए एक और बिल्डिंग है जो कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से इसको बनाया गया, किस तरह से इसका डिज़ाइनिंग की गई है, मतलब हैट्स ऑफ जिस तरह से यहाँ की बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग अलग 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 खूबसूरती है, मतलब न्यूयॉर्क सिटी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूरे बिल्डिंग का। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से है, अभी लोग अगर कॉपी करना चाहें तो नहीं बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बना पाएंगे जो पहले की जो खूबसूरती थी। और यही सारी चीज़ें मिला के पूरे न्यूयॉर्क सिटी को इतना खूबसूरत बना दिया है कि जिस गली से आप गुजरोगे, जिस तरफ से आप गुजरोगे, आपको वो एक अलग ही खूबसूरती नज़र आएगी, बहुत प्यारा सिटी है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 वाली जगह पे हम लोग आ गए। हम लोग यहाँ पे उतरे नहीं, अगर उतर के जाते ना तो नीचे आप लोग को पूरा दिखाते, मगर हम लोग नहीं उतरे क्योंकि काफ़ी रश वाला एरिया लग रहा था और बच्चों को लेके फिर जाओ। ये देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क का, जो न्यू वाला बनाया गया है, ये वो बिल्डिंग है। इसके पास की वो जो दो बिल्डिंग जो उड़ाई गई थी 9/11 में वो भी है, मगर उसको आधा आधा है, उसका स्ट्रक्चर अभी भी है। ये पूरा हम लोग को वहाँ पे जो वो होता है ना, पूरी डिटेल्स जो दे रहे थे, हेडफोन लगा के हम लोग सारी चीज़ें सुन रहे थे। ये देखिए हम लोग हॉप एंड हॉप अप, जो हमारी बस है ये है, और यहाँ से हम लोग उतर गए हैं, अब वॉक करके जा रहे हैं। हम लोग को लगा था जहाँ से हम लोग चढ़े हैं वहीं से उतरेंगे, मगर ये इनका लास्ट स्टॉप था। और वो देखिए सामने एमिरेट्स का ये लगा हुआ है लोगो, एमिरेट्स फ्लाइट, जिस फ्लाइट से हम लोग आए थे, दुबई की फ्लाइट है। अब वॉक करके जा रहे हैं, देखिए पूरा टाइम स्क्वायर ही है ये भी, इसका पता करना पड़ेगा ये है क्या। जगह जगह पे ऐसे वो धुआं निकलता रहता है रोडों के बीच में। और बस हम लोग होटल के लिए जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे का टाइम था हम लोग के पास, उसके बाद फिर से हम लोग को नाइट टूर पे उसी बस में आके बैठना था जिसका उन लोगों ने टाइम दिया हुआ था। तो बस हम लोग घूमते घामते जा रहे हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब एक अलग ही ब्यूटी है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी पहन रहे हैं, मतलब कुछ भी पहना हुआ है, किसी के बाल कैसे हैं, किसी के ड्रेस कैसा है, कुछ भी, किसी का कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है, इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। होटल में गए हम लोगों ने रेस्ट किया 1.5 घंटा, और फिर हम लोग आ गए हैं 8 बजे रोड पे। और देखिए नाइट टूर के लिए लाइन कितनी लंबी लगी है, हम लोग को तो डे टूर के लिए ज़रा भी लाइन नहीं लगी, बस सामने सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे चढ़ गए, और यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लाइन। और देखिए यहाँ पे NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस हैं, और बहुत ही मतलब
लोग बोल रहे थे कि आप लोग जाके पिक्चर्स वगैरह भी खिंचा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर हम लोग ने पिक्चर नहीं खिंचाया। और देखिए बस पे निकल गए, और ये हमारे जहाँ होटल था ना, ये वही रोड है, उसी रोड की तरफ से जा रही है, इसी रोड पे हमारा होटल था। और देखिए रश, देखिए आप लोग कितना रश है, ठंड में, ठंड भी है मतलब ठंड में लोग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इतना ज़्यादा रश है, मतलब मानना पड़ेगा। वही हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि जब कोविड था तो कोविड ने कैसे दुनिया को रोक दिया था 2 साल, अब जैसे किस तरह से लोग अपने घर बैठे होंगे, जिस तरह से अभी लोग फ्री होके घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया है, कोई किसी तरह का प्रिकॉशन नहीं ले रहा, इतना रश है और अच्छे से लोग मतलब घूम रहे, इन्जॉय कर रहे हैं, और कहीं से कोई ऐसी खबर भी नहीं आ रही। और देखिए फिर से नाइट टूर के लिए निकल गए हैं, और इस बार ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर भी लेके जा रही है, ब्रुकलिन ब्रिज है, और ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, मतलब जो भी मैंने आप लोग को मोबाइल में कैप्चर करके दिखाया है ना, वो कुछ नहीं है, सामने से इतना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग USA आ रहे हैं तो न्यूयॉर्क ज़रूर आइए, ज़रूर घूमिए। हम लोगों को बहुत लोगों ने बोला था, मेरी फ्रेंड थी जिसके घर हम गए थे, उन्होंने भी बोला था, और भी लोगों ने बोला था कि बहुत थक जाते हैं न्यूयॉर्क में, इतना ज़्यादा टाइम स्क्वायर में इतना ज़्यादा वॉक करना होता है, इतना चलना पड़ता है, बच्चे हैं छोटे छोटे थक जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शायद हम लोगों का होटल ही टाइम स्क्वायर मेन टाइम स्क्वायर में था ना, तो हम लोग को ज़रा भी थकावट नहीं हुई, बस अपने होटल से निकलो, हर चीज़ सामने, घूमने की जगह, खाने की जगह, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, ये पूरा टाइम स्क्वायर है जो कि दरिया के उस साइड से दिख रहा है, और ये मैनहट्टन का ब्रिज है तो दरिया के इस पार है, मतलब ब्रुकलिन ब्रिज है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, सामने वाला है मैनहट्टन का ब्रिज है, और ये पूरी दरिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, और हर किसी ने अपना अपना कैमरा उठा लिया ये व्यू रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त था सामने से, मतलब मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था सामने से। और जैसे ही ब्रिज से नीचे उतरेंगे ना, पूरा ब्रुकलिन एरिया आ जाएगा, मतलब टाइम स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ब्रुकलिन एरिया आ जाएगा, और ये पूरा ब्रुकलिन सिटी है, ब्रुकलिन एरिया है, मतलब इसका भी हम लोग को टूर कराया, तो इसका मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं रिकॉर्ड किए। और देखिए यहाँ पे फिर वापस से ब्रिज पे आ गए, ब्रिज में नीचे की तरफ ट्रेन चलती है और ऊपर की तरफ जो है गाड़ियां वगैरह चलती है। देखिए ट्रेन जा रही है ब्रिज में, और वापस से देखिए हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, और वापस से हम लोग टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारा जो ट्रिप था नाइट टूर का, वो 2 आवर का था, 2 आवर पूरा उसने सिटी घुमाया, और पूरा ब्रुकलिन वाले एरिया में भी लेके गए, और ये देखिए ब्रिज में हम लोग वापस चढ़ के गए, और सामने जो है वो टाइम स्क्वायर है, ब्रिज ही इतना खूबसूरत था। दिन में हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे ना, दिन वाले ट्रिप में अगर आपने देखा होगा तो लोग वॉक भी कर रहे थे, मगर बस वॉक वॉक करना नहीं हुआ, यूरोप गए थे तो हाँ बुद्धापेस्ट के ऐसे ब्रिज में हम लोग ने वॉक किया था, क्योंकि तब हम लोग के पास स्ट्रॉलर था, बच्चे स्ट्रॉलर में आराम से बैठे हुए थे और हम लोग वॉक करके चले गए थे, मगर अभी न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए सामने पूरा टाइम स्क्वायर नज़र आ रहा है, मेरे लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा एरोप्लेन से ऊपर से ये रियल व्यू कितना खूबसूरत लग रहा था न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर का, सामने से भी उतना ही ज़्यादा डबल खूबसूरत है, तो बहुत ही हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बता रहे हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगा घूम के, एक अलग ही खुशी हुई न्यूयॉर्क, मतलब मज़ा आ गया घूम के, एक अलग सिटी है एकदम, जाना चाहिए लाइफ में एक टाइम तो जाना चाहिए, ऐसी जगह भी इंजॉय करनी चाहिए, सिर्फ टाइम स्क्वायर नहीं पूरा न्यूयॉर्क हम लोग को खूबसूरत लगा। और देखिए वापस होटल की तरफ जा रही है ये, वापस टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक के लिए है आज मेरे, हम लोग जाएंगे उतरेंगे जाएंगे होटल की तरफ, खाना वाना लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गए हैं बच्चों ने डोनट्स भी ले लिया कि मम्मा अभी खाएंगे थोड़ा, और थोड़ा नाइट में खाएंगे, मतलब नाइट तो हो ही गई थी, थोड़ा कल खाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को क्रिस्पी क्रीमी का वो जैकेट, वो हैट दिया, कैप दिया, बच्चे लगा के चल रहे हैं कैप लगा के चल रहे हैं क्रिस्पी क्रीमी का, तो हम लोग का मतलब क्रिस्पी क्रीमी एक वो हो गया था, डेली का वो बन गया था क्रिस्पी क्रीमी। और यहाँ पे देखिए वो इजिप्शियन फूड लेने आए हैं, खाना वाना पैक करा रहे, खाना खा के जाएंगे होटल, आराम करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग को जाना है क्रूज़ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो वो सब व्लॉग्स भी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में वो सब चीज़ें आपको देखने की को मिलेंगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे इस वीडियो को। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।